ये है बीट एक्सपी की अनबाउंड न्यू, एंड ये मेरे को मिली है सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपए में। 300 रुपए का डिस्काउंट मेरे को मिला, कुछ दिन पहले परचेस की थी, बट मैं वीडियो आप लोग को नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो गाइस सॉरी फॉर दैट, एंड आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट गैजेट्स की वीडियोस के लिए, साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड इवन दो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो डू चेक इट आउट। एंड अगर आपको ये स्मार्ट वॉच पसंद आई परचेज करनी है तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे देता हूँ। करते हैं इसको अनबॉक्स। बीट एक्सपी अनबाउंड न्यू आपको देखने मिलता है, एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले, भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, एंड ये आपको कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है। जैसे आप इसको निकालेंगे वही कुछ पेपर वर्क स्टिकर्स भी इन्होंने दिए हैं, साथ साथ आपको मिल जाता है पोको पिन चार्जर एंड आपकी स्मार्ट वॉच यहाँ पे, जो कि पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट फ्रेम में है एंड स्क्वायर डायल में मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो कुछ इतना इंप्रेसिव नहीं है, एंड बिल्ड क्वालिटी मेरे को थोड़ा सी लो क्लास वाली लगती है। बट अगर बात करें भाई ओन रिस्ट, ये स्मार्ट वॉच दोनों मैन एंड वुमेन के लिए परफेक्ट रहेगी। इवन दो जो टीनेजर्स हैं जो स्मार्ट वॉच चाह रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि बेजल्स काफी मिनिमल रखे गए जिससे कि डिस्प्ले बड़ी होने के बावजूद आपको वॉच इतनी बड़ी देखने के लिए नहीं मिलती। बट अगर बात करें पूरे के पूरे फ्रेम के बारे में, आपको एक बटन मिलता है राइट साइड में, माइक्रोफोन है, लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर ग्रिल मिलते हैं, नीचे चार्जिंग पॉइंट सेंसर आपको मिलते हैं, सिलिकॉन का स्ट्रैप है, बीट एक्सपी के ब्रांडिंग आपको देखने मिलेंगे, स्ट्रैप आप चेंज कर सकते हैं इन केस फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है तो। वैसे स्ट्रैप्स की क्वालिटी ठीक लगेगी, बट इसको रफ एंड टफ वाले स्मार्ट वॉच समझ के यूज मत करना, ये टूट जाएगी जल्दी। 1.8 इंच का पैनल इन्होंने यूज किया है जिसमें 368x448 का रेजोल्यूशन है, एंड 500 nits की आपको आउटडोर में पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ स्मार्ट वॉच की, तो बाहर ठीक ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड करते हैं, इनसाइड भी काफी सफिशियंट ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है, अंडर सनलाइट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सुपर एमोलेड मेरे को नहीं पता किस एंगल से इन्होंने यूज किया, रेजोल्यूशन इतना हाई नहीं है, 466 वाला रेजोल्यूशन यहाँ पे यूज नहीं है, मीडियम टाइप में रेजोल्यूशन यूज किया है, बट ब्राइटनेस अच्छी है। इवन दो जो यूजर इंटरफेस है वो मेरे को काफी अच्छा लगा, लैग नहीं है बिल्कुल भी, एंड जो 60 Hz का पैनल यूज किया है उसकी वजह से डिस्प्ले स्मूथ फील होती है, एंड डेफिनेटली सारे के सारे फीचर फंक्शन आपको राइट अवे आपके स्मार्ट वॉच में देखने मिल जाते हैं, जिसको एक्सेस करना काफी इजी है, काफी सिंपल है। बट इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपके फोन के साथ, तो उसके लिए बीट एक्सपी ट्रैक डाउनलोड कर लेना, एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के साथ कंपैटिबल है। मैंने ट्राई किया विद माय आईफोन, तो वहां पे कनेक्ट होगी बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई परेशानी, एंड ऐप का यूजर इंटरफेस भी काफी फ्रेंडली टाइप में, इतना कुछ मेजर चेंज वहां पे नहीं है, बेसिक सेटिंग्स वहां पे यूज कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लाइक जस्ट लाइक ए नॉर्मल ऐप आपने डाफिट वगैरह यूज की होगी, तो वैसा ही इंटरफेस आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा थोड़ा एडवांस में। फीचर सेक्शन पे मूव करते हैं, 100+ आपको स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाते हैं, एंड आपके बेसिक स्पोर्ट मोड डेफिनेटली यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो स्पोर्ट गीक हो या फिर आपको आपका हेल्थ डेटा ट्रैक करना है तो भाई सारे के सारे स्पोर्ट मोड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, एंड एक्टिविटी में जाके आप चेक कर सकते हो कितने स्टेप आपने चले, एंड मेरे को पैडोमीटर का डेटा थोड़ा सा लगा भाई इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, वहां पे डिस्क्रिपेंसी है, और डिस्क्रिपेंसी से याद है भाई हेल्थ सेंसर यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मिलते हैं, हार्ट रेट भी है, SpO2 भी है, स्ट्रेस भी है, एंड इवन दो BP भी है, बट सारे सेंसर आपको स्ट्रेस देते हैं, ओन टेबल भी वो आपको डेटा देने में केपेबल है, तो लाइक आप अपने टेबल का चेक कर सकते हैं भाई क्या स्ट्रेस चल रहा है, क्या लाइफ चल रही है आपके टेबल की, तो वो एक केयरिंग पार्ट था। बट जी हाँ, यहाँ पे फेक सेंसर अवेलेबल है, ओन बॉडी भी मैंने टेस्ट किया आप लोग के लिए जो हम करते हैं, बट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो कर लीजिए जल्दी जल्दी से। ओन रिस्ट भी सेंसर आपको कुल मिला के काफी अच्छे वाले मिल जाते हैं, तो वहां पे भी कोई भी मेजर इश्यू नहीं है। उसके अलावा कॉलिंग पार्ट पे भाई 20 कॉन्टेक्ट आप सेव कर सकते हैं अपने स्मार्ट वॉच में, कोई भी क्विक रिप्लाई का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा जहां तक कॉल उठाने की बात है, उठाने के बाद आपको ट्रांसफर कर सकते हैं आपके फोन पे, वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, ढेरों सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक जो स्मार्ट वॉच में हम एक्सपेक्ट करते हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। ऑन कॉल, जहां तक कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात है, मेरे को कॉलिंग एक्सपीरियंस भी कुल मिला के काफी पसंद आया, आप इसको डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं आउटडोर कॉलिंग में भी, एंड इंडोर कॉलिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 100+ वॉच फेसेस जो आप कस्टमाइज करना चाहें वो कर सकते हैं, एंड इवन दो काफी अच्छे वाले वॉच फेस मिल जाते हैं जो कि आपकी वॉच में ही स्टोर होते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है। बीट एक्सपी आपको प्रोमिस करता है 3-5 डे का बैटरी बैकअप, बट अगर आप फुल ब्राइटनेस यूज करेंगे, इसका रेस्ट टू वेक वाला फंक्शन ऑन करेंगे,
या जो डिस्प्ले है उसको मोर टाइम के लिए अवेक करेंगे तो इन दैट सिचुएशन बैटरी बैकअप काफ़ी कम आ जाएगा, इवन दो वन डे से भी कम हो सकता है अगर आप ज़्यादा कूलिंग यूज़ करते हैं तो। बट स्टिल यार डिसेंट चार्जिंग स्पीड आपको मिलते हैं, 1.5 आवर से 2 घंटे के बीच ही आपके फुल चार्ज हो जाएगी, तो चार्जिंग कोई इतना मेजर इश्यू नहीं है। बैटरी बैकअप आपको एवरेज साइड ही देखने के लिए मिलते हैं। रेस टू वेक वाले फंक्शन की बात करूँ भाई, रेस टू वेक वाला फंक्शन वर्क करता है, बोथ साइड स्क्रीन ऑन एंड ऑफ दोनों जाती है, वर्क करता है 9 times out of 10, ग्रेट एक्यूरेसी मेरे को लगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैन वुमेन दोनों इसको प्रेफर कर सकते हैं। डिटेल में यार आपको मिलते हैं स्पोर्ट मोड, एक्टिविटी आप ट्रैक कर सकते हैं कितने स्टेप वगैरह चले, हार्ट रेट के साथ आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग बीपी एंड SPO2 मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट जो भी है आपके ऐप से सेव कर सकते हैं, स्लीप डेटा ट्रैक कर सकते हैं, ब्रीथ एक्सरसाइज हो जाएगी, एंड इसमें जाने के बाद आपको सेटिंग मिलती है बेसिक वाली, स्पोर्ट रिकॉर्ड हो गया आपके नोटिस जो कि है मैसेज नोटिफिकेशन, डायल पैड है, कॉल हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल है आपका, अलार्म, वेदर, स्टॉप वॉच, टाइमर के साथ साथ फाइंड माय फोन यहाँ पे है, देन कैमरा कंट्रोल हो गया, AI हो गया। ये थीम वाला ऑप्शन से आप कंफ्यूज मत हो ना, बिकॉज वो है ग्रिड वाला ऑप्शन जो आप चेंज कर सकते हैं, मेन्यू स्टाइल, लैंग्वेज यहाँ पे है बट कोई भी हिंदी लैंग्वेज का मेरे को ऑप्शन नहीं मिला है यहाँ पे। आप क्लॉक चेक कर सकते हैं, ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, सेटिंग में जाएंगे तो अगेन कुछ फीचर्स यहाँ पे फिर से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई एडिशनल फीचर आपने यहाँ पे चेकआउट कर लिए, अगर मैं बात करूँ क्या क्या मिसिंग मेरे को लगा स्मार्ट वॉच से, आपको कैलेंडर नहीं मिलता, कैलकुलेटर नहीं मिलता, कोई भी गेम खेलने के लिए नहीं मिलता, बिल्ड क्वालिटी मेरे लिए एक सबसे बड़ा डील ब्रेकर है इस स्मार्ट वॉच का, एंड सेकेंड डील ब्रेकर है इसके फेक सेंसर। आप मेरे को बता सकते हो भाई क्या आपको डील ब्रेकर लगा इस स्मार्ट वॉच में? AOD नहीं है, इवन दो AMOLED पैनल के साथ आते हैं, सुपर AMOLED अगर बात करें BTXP के टर्म में सुपर AMOLED है, AOD नहीं है, बट AOD जैसा फीचर उन्होंने दिया है भाई, स्क्रीन को आप अवेक कर सकते फॉर 5 मिनट, लाइक काइंड ऑफ AOD, बट हमेशा AOD की तरह वर्क नहीं करेगा, जो बैटरी को भी काफी ज्यादा यूज करेगा एंड आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग टाइम। सो गाइज डू लेट मी नो आपको ये स्मार्ट वॉच कैसे लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, एंड कोई भी ओपिनियन है, व्यू है, आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।